हे गाइज, कैसे हो? आज के वीडियो में राजस्थान जीके के 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हैं, और ये सारे क्वेश्चन पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए। अगर आप लोग राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखते हैं तो 2 से 3 नंबर आपके आराम से पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इसी पेपर में से आने वाली भर्तियों में क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। देखिए, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक रसायन भर्ती परीक्षा 2019, जिसका एग्ज़ाम 14 सितंबर 2019 को हुआ, और इसी भर्ती के अंदर ये 30 राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए। इन सभी के हम बात करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राजस्थान जीके के जितनी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उन सभी पर हम वीडियो बनाएंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी करवा दी जाएगी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और आप लोग भी प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, राजस्थान में कौन सा स्थान ब्लू पॉटरी के लिए जाना जाता है? तो इजी क्वेश्चन है, जयपुर, ऑप्शन बी। सेकंड की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? इनमें से कौन सा युग्म जो है गलत सुमेलित है? देखिए, यहाँ पे देवता का नाम दिया गया और उनका जो स्थान है जहाँ पे इनकी पूजा की जाती है, जैसे रामदेव जी रामदेवरा, मलेनाथ जी खड़नाल, बाबू जी कोल्लू और गोगा जी ददरेवा। तो जाहिर सी बात है कि मलेनाथ जी का खड़नाल नहीं होगा यहाँ पे, तेजा जी। तो यहाँ पे सी हमारा उत्तर हो जाएगा, जो कि गलत है। थर्ड की हम बात करेंगे, जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ किले का निर्माण कराया था रायसिंह ने, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। फोर की हम बात करेंगे, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातिव की उपाधि दी थी? माही मरातिव की उपाधि औरंगजेब के द्वारा बीकानेर के किस शासक को दी गई? फोर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राव अनूप सिंह को। फाइव की हम बात करेंगे, डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? डूंगरपुर राज्य के अंदर गुहिल राजवंश का संस्थापक था उदय सिंह, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। सिक्स की हम बात करेंगे, गणेश्वर की सभ्यता कहाँ पे है? गणेश्वर की सभ्यता कहाँ पे है? तो ये सीकर के अंदर है, ऑप्शन डी। सेवन की हम बात करेंगे, उदयपुर राज्य में डाकन प्रथा का प्रतिबंध कब लगाया गया? डाकन प्रथा पे पूरी तरह से रोक कब लगाई गई थी? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, 1853 में, ऑप्शन बी। एट की हम बात करेंगे, देसी रियासत को 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, इनमें से आपको बताना है इन चारों में से कौन जो कि 25 मार्च 1948 को जो एकीकरण हुआ था संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो उदयपुर हो जाएगा ये नहीं है, बाकी सारे थे। नाइन की हम बात करेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक, विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित, ऑप्शन बी विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक इसका राइट आंसर होगा। टेन की हम बात करेंगे, निम्न में से किसने राजपूताना की देसी रियासतों के साथ 1817 और 18 की अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? तो जो भी संधियां हुई थी 1818 और 1817 वाली, जितनी भी संधियां हुई थी उनमें जो है चार्ल्स मैकटॉप अंग्रेज अधिकारी जिनके द्वारा ये बातचीत की गई थी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 11 की हम बात करेंगे, परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह संबंधित थे? परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह जो है कौन से जिले से हैं? तो ये जोधपुर से, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 12 की हम बात करेंगे, राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया? राजस्थान की कौन सी ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंतर मंतर वेदशाला। 13 की हम बात करेंगे, पछेवड़ा संदर्भित है, पछेवड़ा किससे संबंधित है? 13 आप लोग आंसर दीजिएगा, परिधान, ऑप्शन ए। 14 की हम बात करेंगे, ग्रासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली कौन सी है? ग्रासिया जनजाति से संबंधित ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, वालर। 15 की हम बात करें, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है इन चारों में से, अहिरवाटी को छोड़ दिया जाए जो कि हमारा उत्तर रहेगा, बाकी सारी ढूंढाड़ी की उपबोली है, ऑप्शन ए।
16 की हम बात करेंगे, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आसा यानी बनास ऑप्शन बी। 17 की बात करेंगे, राजस्थान के जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु का प्रदेश भाग है। अति आर्द्र जलवायु जहाँ की जो है जलवायु बहुत ही ज़्यादा आर्द्र है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारा। इन चारों में से आपको उत्तर देना था। 18 की हम बात करेंगे, राजस्थान के निम्न में से किस जिले से होके कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। उत्तर यहाँ पे बांसवाड़ा होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन जो है बांसवाड़ा के अंदर से जाती है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। 19 की हम बात करेंगे, निम्न में से झीलों में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत इन चारों में से कौन सी झील नहीं आती, तो भोपाल सागर को छोड़ दिया जाए। 20 की हम बात करेंगे, नौल हवाई अड्डा अवस्थित है। नौल हवाई अड्डा जो कि बीकानेर के अंदर है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 21 की हम बात करेंगे, जेएफएम का पूरा नाम क्या है। जेएफएम का पूरा नाम संयुक्त वन प्रबंधन, ऑप्शन ए। 22 की हम बात करें, निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है। चक्री के नाम से कौन सी भेड़ की नस्ल जानी जाती है, मगरा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 23 की हम बात करें, राजस्थान में गोलिये व हनोतिये में भंडार है। तांबे के है, चांदी के, टंगस्टन के, मैग्नीज के। तो वहाँ पे तांबे के भंडार है, कहाँ पे, गोलिये और हनोतिये। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 24, राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित श्रेणियों में किससे संबंधित है। संरक्षित है या आरक्षित है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी के। तो बिल्कुल बिल्कुल संरक्षित तो सबसे ज्यादा वन है, उसके बाद आरक्षित है, फिर अवर्गीकृत है। 25 की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है। सही सुमेलित आपको बताना है, कौन सा युग्म। क्षेत्र दिया गया है, सामने जिला दिया गया है, तो ये कौन से जिले से संबंधित है। देखिए वागड़ जो कि बांसवाड़ा से संबंधित है, बाकी को छोड़ दिया जाए तो भाकर भी गलत है, गिरवा भी गलत है, बांगर भी गलत है, तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। 26 की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सी फसल सफ़ेद सोना के नाम से जानी जाती है। सफ़ेद सोना आप लोग समझ गए होंगे, कपास जो कि सफ़ेद है। 27, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर, ऑप्शन डी। 28वें की हम बात करेंगे, अड़वादा बांध राजस्थान में किस जिले में। अड़वादा बांध 28 भीलवाड़ा के अंदर है, ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा। 29 की हम बात करेंगे, निम्न में से किस मरु गंगा कहा जाता है। किसे मरु गंगा कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, मरुक्षेत्र विकास कार्यक्रम, नर्मदा नहर परियोजना या समन्वित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरु गंगा भी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोगों को बताना है। जितने भी विद्यार्थी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। जो भी सही उत्तर देगा कॉमेंट में, उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम भी लूँगा। राजस्थान के नागौर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है। ब्लूई, काली मृदा, लाल मृदा या पीली मृदा, आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, राजस्थान के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उन सभी के वीडियो देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। वीडियो शेयर भी कर देना। थैंक यू।